जैन साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे फिजिकल की। जिन भाई बहनों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है और उनके नंबर अपने जो कट ऑफ हमने बताई है, तो उसके आधार पर या आप जिस शिद्दत से पेपर दे के आए हैं, पेपर देने के बाद तो खुद अभ्यर्थी को भी अनुभव हो जाता है कि हम इस बार अपना एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं या नहीं। अब इसका पता कैसे चलता है? जैसे कोई आसान क्वेश्चन होता तो हमने वो कितने आसान क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आप सिलेक्शन से उतना ही दूर हो जाते हैं, और आप अगर आसान क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक हो जाते हैं। दूसरी, आप जब पेपर दे के आते हैं, आंसर की आती है, आंसर की से आप आंसर मिलाते हैं और एक अप्रोक्स आइडिया लगाते हैं कि जैसे कि 80 क्वेश्चन थे, 60 मिनट थे, तो कहीं समय का अभाव था और पेपर इतना आसान भी नहीं था, टफ भी था। हमने खुद एनालिसिस बोर्ड पे जाके किया था जहाँ पेपर चल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो है सीआरपीएफ का भी एक नोटिस आया और एसएससी की तरफ से भी एक नोटिस आया है कि 15 अप्रैल से आप लोगों का फिजिकल है, 15 अप्रैल से। ठीक, तो दोस्तों सबके मन में एक डाउट है, आज 2 अप्रैल हो गई और 15 अप्रैल से फिजिकल है, तो क्या 12 ही दिन बीच में बचे हैं? तो 12 दिन में 5 किलोमीटर की रेस तय कर पाना, 5 किलोमीटर की रेस की तैयारी कर पाना संभव है? जो कि अभी रिजल्ट आया भी नहीं है। क्यों? जब सामने टारगेट होता है, रिजल्ट आ जाता है, तो एक जोश जुनून अलग रहता है तैयारी करने का। और जब हमें पता लगता है कि हमारा तो अब हमको दौड़ने जाना ही है, हमारा तो रिजल्ट में नंबर आ गया है, तो बच्चे का मन थोड़ा सा अलग रहता है दौड़ने का। एक ये होता है कि पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे जो एकदम सेफ जोन में हैं, सपोज करो 55+ वाले हैं, तो अपने आप को एकदम सेफ जोन में हैं, तो वो तो यहाँ पर दौड़ अपनी तैयार बढ़िया से कर ही रहे हैं। उनको तो पता है हमारे तो 55+ हमारा तो नंबर आना ही आना। परंतु जो बॉर्डर पर हैं, जिनका क्या 52 है, 53 है, 54 है, 50 है, 48 है, और गर्ल्स का 45 है, 46 है, 48 है, 50 के अप्रोक्स है, तो वो थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम तैयारी करें तो कैसे करें, पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा। बात सही भी है, और बोर्ड को अभी ये देखना चाहिए कि अगर तुम रिजल्ट जो है क्या 10 दिन पहले रिजल्ट दोगे, 8 दिन पहले रिजल्ट दोगे, भाई बच्चा तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने 15 तारीख से यहाँ पर डेट लगा दी है कि 15 तारीख से आप लोगों का फिजिकल है, 15 अप्रैल से, और आज 2 अप्रैल तो हो गई। तो इसलिए इनको या तो डेट, कुछ बच्चों का यही भी रहेगा कि क्या डेट पोस्टपोन्ड होगी। तो दोस्तों अगर ये इतना लेट कर रहे हैं तो पोस्टपोन्ड कर भी देनी चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन बच्चों को उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम नहीं मिलेगा कम से कम 1 महीने का समय देना चाहिए बोर्ड को, क्योंकि चाहे कितनी भी जल्दी वैकेंसी की है, क्योंकि हम इस चीज़ का खामियाजा काफ़ी हमारे भाई बहन उसमें उठा चुके हैं। 2018 की वैकेंसी थी 41,000 वाली, क्यों, जो यूपी पुलिस की 41,000 वाली वैकेंसी थी, उसमें इधर तो रिजल्ट आ रहा है और तुरंत ही आपको आज ही डेट मिल रही है कि कल आपका फिजिकल है, बच्चे गए फेल हो गए। तो इस प्रकार से, और वहां तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर थी, यहाँ तो 24 मिनट में ही 5 किलोमीटर है। तो इसलिए इनको समय देना चाहिए। अब कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 की है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 50,187 पोस्ट है। 3 बार पोस्ट बढ़ी है, 3 बार जो है पोस्ट इंक्रीज हुई है। ठीक है, पोस्ट जो है 3 बार बढ़ी है। इसके बाद टोटल फॉर्म कितने भरे गए, 54 लाख जो है फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 54 लाख से प्लस में ही भरे गए हैं। फाइट की पर सीट की बात करें दोस्तों, 107 कैंडिडेट पर सीट पर आप जो है फाइट कर रहे हैं, और कितने गुना बच्चे पास करेगा, तो लमसम 8 गुना बच्चे पास करेगा। तो 50,000 का अगर हम 8 गुना कर लेते हैं तो अप्रोक्स 4 लाख प्लस तो रहेगा ही रहेगा। 4 लाख प्लस जो है सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों? तो अगर इनको रिजल्ट अगर इस 15 ही तारीख से फिजिकल कराना है तो कंफर्म जो है सोमवार तक तो कंफर्म आ जाना चाहिए। अगर सोमवार तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर डेट जो है इनको पोस्टपोन करनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि सब लोगों के बात ये पूछे कि अगर इतना ज़्यादा लेट करते हैं तो बच्चा कैसे, क्योंकि हम तो आपके सामने सेलेक्टेड, हमको पता है ना कि रेस 1 दिन की कीमत नहीं है, क्योंकि रेस के लिए हमको समय देना पड़ता है, और 1 दिन में कोई रेस तैयार नहीं कर सकता। कोई उठे के सोचे कि हम तो जाकर डायरेक्ट ग्राउंड में दौड़ गए, वो भी संभव नहीं है। तो दोस्तों सोमवार तक कन्फर्म आना चाहिए, अगर सोमवार तक नहीं आता है तो फिर पोस्टपोन होनी चाहिए फिजिकल की डेट। क्या आज रिजल्ट आएगा? तो यही है सोमवार तक।
आज का कोई आज आपका संडे है तो कल तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए। क्या 15 अप्रैल फिजिकल डेट पोस्टपोन्ड होगी? अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है। अगर कल तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तैयारी नहीं करेगा तो ग्राउंड में जाके फेल हो जाएगा, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, हमारी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। मेडिकल के लिए कितने गुना बच्चे? तो दोस्तों 2 गुना बच्चे जैसे जो है मेडिकल के लिए भी ये लोग बुलाते हैं। और इसका कुछ बच्चों का फिजिकल का है कि सर फिजिकल कैसे ग्राउंड पे होगा? दोस्तों हमारी बटालियन थी SSB की 56, 56 भी बहानी थी, तो वहां पर दोस्तों बटालियन के अंदर ही 800 मीटर का ट्रैक था अपना, जो है जो पक्की रोड होती है यही, मतलब सीमेंट वाली नहीं, अपना काला डामर जो बोलते हैं यही थी रोड बनी हुई, इसी पर 800 मीटर के चक्कर में सबको दौड़ाया था। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ रहे। और कुछ जगह पर जो है ये अंदर भी ग्राउंड बने हुए हैं, तो ये भी हमारे वहां पर तो ये चकोर था, इसमें दौड़ाए थे, तो ये कोई कंफर्म नहीं है। जहां जैसी व्यवस्था है वैसे ही आपको दौड़ाया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर दूर तुमको छोड़ चले आए और भाग के चले आओ, ऐसा नहीं है। वहीं पर लमसम गोल गोल घुमाएंगे या इस प्रकार से चकोर में आपको दौड़ाएंगे। ठीक है, तो इससे जुड़ी और कोई जानकारी अगर चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।